हेलो एवरीवन वन सेल्फ आर्किटेक्ट पलक पटेल आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर टुडे वील बी कवरिंग द टॉपिक रोमन आर्किटेक्चर सो टॉपिक दैट वील स्टडी इन टूडेज लेक्चर इज इंट्रोडक्शन अबाउट रोमन आर्किटेक्चर रोमन ऑर्डर्स ग्रीक टेक्नोलॉजी रोमन टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन तो आज हम कवर करेंगे कि किस तरीके से रोमन आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग हुई थी उसके बाद क्या रोमन ऑर्डर्स थे जब भी हम रोमन आर्किटेक्चर की बात करते हैं या ग्रीक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं ऑर्डर्स ऑर्डर्स क्या होते हैं ऑर्डर्स होते हैं वो कॉलम्स जो कि इन इस एरा में या इस आर्किटेक्चर में इंट्रोड्यूस किए गए थे उसके बाद रोमन्स ने ग्रीक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था इसलिए सबसे पहले व्हील स्टडी कि उन्होंने किस तरीके से ग्रीक टेक् क्या ग्रीक टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि रोमन्स अपनी क्या नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे आफ्टर दैट व्हील स्टडी कि रोमन्स ने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था अपने कंस्ट्रक्शन में नाव अगर हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो वी कैन सी कि यहाँ पर कहीं पर ग्रीस है और यहाँ पर हमारा रोम है तो डिस्टेंस बिटवीन रोम एंड ग्रीस इज़ अराउंड थाउजेंड किलोमीटर्स बट अगर हम इनके आर्किटेक्चर को देखें ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए थे एक दूसरे से तो हमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज इन दोनों ही आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगी बेसिक बिगनिंग जब हुई थी रोमन्स की तो इन्होंने ग्रीक डिज़ाइन को अडॉप्ट किया था तो इनकी बिगनिंग वाज बेस्ड ऑन ग्रीक डिज़ाइन धीरे धीरे फिर इन्होंने अपने खुद के डिज़ाइन को डेवलप किया अपना आर्चे का यूज़ करना शुरू किया वॉल्स का यूज़ करना शुरू किया एंड दे ऑल्सो डेवलप्ड डोम्स तो ये सारे एडवांसेस क्यों हो पाए ये सारी टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप हो पाई ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि इस टाइम पे रोमन्स ने कंक्रीट को डेवलप कर लिया था तो कंक्रीट की वजह से ये सारे एडवांसेस पॉसिबल हो पाए थे अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ग्रीक का ऑन रोमन आर्किटेक्चर तो क्या इन्फ्लुएंस था स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो प्रीवियसली जो क्लोजिंग ईयर्स थे इस ग्रीक के उसमें रोमन्स ने आना स्टार्ट कर दिया था और स्टार्टिंग में एट्रस्कन्स था व्हाट इज़ एट्रस्कन्स होता है कि वो लोग ज़्यादातर फोकस करते थे ऑन सर्विसेज़ तो जो पुराने बिल्डिंग्स थे देवर फोकसिंग मोर ऑन सर्विसेज़ लेकिन जब रोमन आर्किटेक्चर आया तो उन्होंने आर्टिस्टिकली बहुत सारा इन्फ्लुएंस बहुत सारे चेंजेस लाने शुरू कर दिए थे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं ऐसे जो इट्रस्क डिज़ाइंस के थे जो कि रोमन्स ने अपने में अडॉप्ट किए थे ग्रीक ऑर्डर को इन्होंने अडॉप्ट किया था उसको ऑल्टर किया उनको चेंज किया और फिर फाइनली उन्होंने अपने खुद के एक नए ऑर्डर्स बनाए थे रोमन्स ने अब हम बात करते हैं रोमन आर्किटेक्चर की तो रोमन्स ने एक लेजसी छोड़ी हुई है उनके आर्किटेक्ट्स ने एक डिफरेंट ही वर्ल्ड बना दिया था कैसे ग्रीक्स बहुत अच्छे इनोवेटर्स माने जाते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया था जो भी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी उनको बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया था और नए मटेरियल्स को कंबाइन किया था उनके साथ एंड दे केम अप विद अ न्यू टेक्नोलॉजीज़ जिससे कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट रेंज हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर की आ गई थी नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होने शुरू हो गए थे दो रोमन्स ने बहुत सारी चीज़ें बॉरू करी थी फ्रॉम ग्रीक स्टाइल बट उन्होंने उस पर अपना नॉलेज लगाया था उन्होंने अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन टेक्नीस लगाई थी दे हैव इंप्रूवड देअर आर्चेज वॉल्ड्स और एक कम्प्लीट नई आर्किटेक्चरल कम्यूनिटी डेवलप करी थी नाव uh, जब भी हम मैंने स्टार्टिंग में बताया जब भी हम ऑर्डर्स की बात करते हैं रोमन्स की बात करते हैं ग्रीक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ऑर्डर्स नाउ व्हाट इज़ ऑर्डर्स ऑर्डर्स होते हैं कॉलम्स तो कॉलम्स में डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस को यूज़ करते थे और उनको यूज़ करके हम आगे कंस्ट्रक्शन में इम्प्लीमेंट करते थे नाउ अगर हम बात करते हैं ऑर्डर्स की तो ग्रीक से रोमन् ने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी थी तो so, कौन कौन से ऑर्डर्स अडॉप्ट करे थे डोरिक आइनिक एंड कुरियंथन सो दीस वर द थ्री ऑर्डर्स जो कि रोमन् ने अडॉप्ट करे थे ग्रीस से डोरिक आइनिक एंड कुरियंथन वर द एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स जिनको मॉडिफाई करके रोमन्स ने अपने टाइम पर यूज़ करना शुरू किया था और इन्होंने दो नए ऑर्डर्स डेवलप किए थे विच वॉज़ कंपोजिट ऑर्डर एंड टस्कन ऑर्डर रोमन्स ने सुपर इम्पोज ऑर्डर भी डेवलप किए थे अब सुपर इम्पोज ऑर्डर क्या होता है सुपर इम्पोज ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हो जब आज के टाइम पे भी बिल्डिंग्स बनती हैं तो हम देखते हैं कि एक कॉलम के ऊपर दूसरा कॉलम जा रहा है अब उसमें क्या होता है ये लोग भी उसी तरीके से एक के ऊपर एक कॉलम ले करके जाते थे बट दे वर यूजिंग डिफरेंट ऑर्डर सपोज ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने डोरिक ऑर्डर को यूज़ किया है तो दे माइट यूज आइनिक ऑर्डर इन द फर्स्ट फ्लोर एंड कोरियंथन ऑर्डर इन द सेकेंड फ्लोर सो दे आर सुपर इम्पोजिंग द ऑर्डर्स ओवर वन ओवर द अदर नाउ वील सी कि डोरिक ऑर्डर किस तरीके से आ, बनते थे अब यहाँ पर आप देख सकते हो डोरिक ऑर्डर ग्रीक एंड रोमन तो ये वाला जो ऑर्डर है ग्रीक के टाइम का है एंड दिस ऑर्डर इज ऑफ रोमन टाइप तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था क्या सिमिलैरिटी थी रोमन्स ऑर्डर्स को डेवलप कर रहे थे इम्प्रूव कर रहे थे मॉडिफाई कर रहे थे तो इन्होंने किस तरीके से मॉडिफाई किया कॉलम में अगर हम ग्रीक ऑर्डर में देखते हैं तो उसमें कोई बेस नहीं होता था दिस इज योर शाफ्ट ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा शाफ्ट है दिस इज योर बेस इसको हम बोलते हैं कैपिटल दिस इज योर इंटरब्लेचर अब इंटरब्लेचर में भी तीन चीजें आती है ये तीन पोर्शन होते हैं इंटरब्लेचर में दिस इज योर आर्किट्रेव दिस इज योर फ्रीज एंड दिस इज कॉर्निस और इन तीनों चीज़ों को मिला दें अगर हम तो बनता है हमारा इंटरब्लेचर तो डोरिक ऑर्डर को अगर हम देखते हैं इसमें कोई भी पहले बेस नहीं होता था लेकिन जब हमारा रोमन आर्किटेक्चर आया तो इसमें नीचे बेस एडअप हो गया था ये कम, अगर हम कंपेयर करें टू तो द ग्रीक ऑर्डर ये थोड़ा स्लेंडर था ये थोड़ा कंपेरेटिवली इसकी विथ ज़्यादा नहीं थी ये स्लिमर था ग्रीक डोरिक कॉलम नाव वील टॉक अबाउट आइनिक ऑर्डर आइनिक ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं ये विजिबली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे ये डोरिक के प्रपोर्शन में थोड़े स्पलेंडर थे थोड़े पतले थे ऑर्डर जो इस पर यूज हो रहा है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें फ्लूट्स देखने को मिल रहे हैं दीज आर द फ्लूट्स तो ये फ्लूट्स आपको इन ऑर्डर्स में देखने को मिलेंगे आइनिक ऑर्डर में इस पर ट्वेंटी फोर फ्लूट्स आपको देखने को मिलेंगे आइनिक ऑर्डर में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे जैसे कि उसकी जो मोल्डिंग थी कैपिटल की वो थोड़ी चेंज हो गई थी उसका डायमीटर अलग था ये मोल्डिंग और इस मोल्डिंग में आप डिफरेंस देख सकते हो ये आपका ग्रीक आर्किटेक्चर का है और ये रोमन आर्किटेक्चर का है दोनों की मोल्डिंग्स में काफ़ी डिफरेंस है इनफैक्ट यू कैन सी द डिफरेंस इन द इंटरब्लेचर ऑल्सो नाउ वील सी कोरियंथन ऑर्डर कोरियंथन ऑर्डर का जो बेस था वो स्पेशली डिजाइनड बेस था आप इस पर देखो जो ग्रीक का बेस था उसमें और रोमन के बेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ये ज़्यादा डिटेल्ड आउट है एज़ कम्पेयर टू द ग्रीक ऑर्डर इसमें ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन था क्लासिकल स्टाइल था इट वॉज स्लेंडर देन द आइनिक ऑर्डर उसके बाद आपको जितने भी इम्पीरियल आर्किटेक्चर होते थे जो मोन्यमेंटल वर्क होते थे जहाँ इनको क्रिएटिविटी या थोड़ा इन्फ्लुएंस अच्छा दिखाना होता था वहाँ पे दे यूज़ टू यूज़ कोरियंथन ऑर्डर्स उसके बाद इसमें आपको कार्विंग देखने को मिल सकती है इन द कॉर्नर्स इसमें आपको कैपिटल में वेरिएशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर इन दोनों ही कैपिटल में आप देख सकते हो कि लीव्स का यूज़ किया गया है जब रोमन uh, आर्किटेक्चर के टाइम पे कोरथन ऑर्डर में देवर यूजिंग देवर देवॉज वेरी यू नो वेरिएशन इन द कैपिटल कहीं पर आपको सिर्फ लीव्स देखने को मिलेगी कहीं पर देवर यूजिंग एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स विद द लीव्स नाउ कंपोज़िट ऑर्डर जैसे कि इसका नाम है कंपोजिट कंपोज़िट का क्या मतलब है मिक्स्ड ऑर्डर सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ आयनिक एंड कोरियंथन कैसे हमने आयनिक ऑर्डर में देखा था कि यहाँ पर ये वॉल्यूट बना हुआ है ठीक है और हमने क्या देखा था हमने कोरियंथन ऑर्डर में देखा था कि इस पर यहाँ पर उन्होंने लीव्स का यूज़ किया हुआ है दीज ऑफ द लीव्स तो अगर हम इस ऑर्डर को देखते हैं इसके कैपिटल में दे हैव मिक्स्ड द वॉल्यूट्स ऑफ आइनिक विद द लीवस ऑफ कुरियंथन तो दिस इज कंपोजिट ऑर्डर वैसे अगर एकदम से देखिए तो इट इज़ वेरी हार्ड टू कि ये कोरियंथन है या कंपोजिट तो तो है लेकिन आपको इस कम्पले जो इसका कॉलम का कैपिटल है उससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ दीज टू तो आर डिफरेंट कॉलम की अगर हम हाइट की बात करते हैं इट इज़ टेन डायमीटर हाई टेन डायमीटर हाई का क्या मतलब है अगर इसका जो बेस का डायमीटर एक्स है तो इसकी जो हाइट होगी कैपिटल की तो शाफ्ट की इट विल भी टेन एक्स नाओ अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो कोरिंथन कॉलम आप देख सकते हो कि इसमें आपको अक्यंत लीव्स देखने को मिल रहे हैं और कंपोजिट में आप देख सकते हो कि इसमें आपको वॉल्यूड देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ आपको अक्यंत लीव्स देखने को मिल रहे हैं सो दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन बोट फेम नाउ वील टॉक अबाउट टस्कन ऑर्डर टस्कन ऑर्डर एक सिंप्लीफाइड वर्जन है डोरिक ऑर्डर का इसमें कोई भी फ्लूट्स नहीं थे ये स्लेंडर था इसमें बहुत स्ट्रेंथ अगर आप इसको अलग से देखो तो आपको एक स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिलेगी और इस कॉलम का बहुत सिंपल सा कैपिटल था बहुत सिंपल आप इसके कैपिटल को देखो इसका कैपिटल भी सिंपल है इसका बेस भी सिंपल है और इसकी शाफ्ट में भी आपको कोई भी फ्लूट्स देखने को नहीं मिलेंगे नॉ वील सी क्या प्रपोर्शन में डिफरेंस था ऑन ऑल द ऑर्डर्स तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट डिफरेंस के बारे में अगर हम हाइट की बात करते हैं तो टस्कन ऑर्डर की हाइट सबसे ज़्यादा कम थी उसके बाद हाइट बढ़ रही है हमारे डोरिक ऑर्डर की उसके बाद हाइट हमारे आइनिक ऑर्डर की ज़्यादा है और कंपोजिट एंड कोरियंथनवर ऑलमोस्ट सिमिलर इन हाइट देवर तो अब हमें यह हाइट डिफरेंस कैसे पता चलेगा अगर हम बेस की बात करते हैं सपोज जो शाफ्ट का बेस का डायमीटर है वो एक्स है तो डोरिक ऑर्डर के कॉलम की हाइट कितनी जाएगी एट एक्स कोरियंथन की हाइट कितनी जाएगी नाइन एक्स आइनिक की हाइट नाइन एक्स करियंथन की टेन एक्स कंपोजिट की भी टेन एक्स और टस्कन की सेवन एक्स सेम आपका जो इंटरब्लेचर का हाइट है इंटरब्लेचर कौन सा वाला पोर्शन था हमारा ये हमारी शाफ्ट आ रही थी ये हमारी शाफ्ट थी शाफ्ट के ऊपर हमने बात करी थी तीन चीज़ें होती हैं आर्किट्रेव फ्रीज और कॉर्नर्स तो वो जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसको कंबाइन करके हम बोलते हैं इंटरब्लेचर तो अगर हमारे बेस की हाइट x है तो इंटरब्लेचर की हाइट जाएगी 2x एक्स इन द केस ऑफ डोरिक ऑर्डर और।, और इन केस ऑफ आइनिक ऑर्डर इंटरब्लेचर की हाइट जाएगी टू एंड हाफ एक्स सिमिलरली इज द केस विद कोरथन कंपोजिट एंड टस्कन ऑर्डर अब हम देखेंगे कि ग्रीक टेक्नोलॉजी किस तरीके से थी वो कैसे चेंज हुई और हमने उसको कैसे इवोल्व किया तो ग्रीक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं देवर यूजिंग ट्रिबेटेड स्ट्रक्चर नो वॉट इज ट्रिबेटेड स्ट्रक्चर ट्रिबेटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है पोस्ट एंड लिंटल पोस्ट एंड लिंटल एज एन वॉट दीज आर द कॉलम्स जिसके ऊपर लिंटल सपोर्ट कर रहा है तो अगर आप ग्रीक आर्किटेक्चर में जाओ अगर आप ग्रीक आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स देखो तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उस पर बहुत सारे वो एन नंबर ऑफ कॉलम्स देते थे और उसके ऊपर लिंटल देते थे अब इसका क्या रीज़न होता था वो इतने सारे कॉलम्स क्यों देते थे वो कॉलम्स दूर दूर भी तो दे सकते थे इतने पास पास देने का क्या रीज़न था सो द रीज़न इज द ड्रॉबैक अगर वो दूर दूर कॉलम्स देंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी उससे ये प्रॉब्लम होगी कि क्योंकि लिंटल का साइज काफ़ी बड़ा होता था तो इट माइट ब्रेक फ्रॉम बिटवीन या उस पर कोई क्रैक आ जाए जिसकी वजह से वो बहुत पास पास में पोस्ट देते थे तो अगर यही टेक्नोलॉजी हम रोमन आर्किटेक्चर में भी वो यूज़ करते रहते तो क्या प्रॉब्लम होती बहुत सारे इश्यूज आते बड़े साइज़ के स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते थे ज़्यादा हाइट के स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते थे इसलिए दे केम अप विद समथिंग न्यू अंडर द सन वट वॉज समथिंग न्यू जब हम रोमन आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चीज आती है वो है आर्चेस बिकॉज रोमन्स दे डेवलप्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी समथिंग न्यू विच वॉज आर्चेस अगर हम uh, अगर ये आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा व्हाट इज़ आर्चेस और अगर ये नॉन आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि आर्चेस एग्जैक्टली exactly होता क्या है उस पर लोड कैसे ट्रांसफर होता है सो इट वी टॉक अबाउट आर्चेज आर्चज में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा की स्टोन ये होता है की स्टोन जो कि लोड ऊपर से सारा लेता है एंड एट ट्रांसफर्स द लोड टू द स्प्रिंज अब वो कैसे करेगा वो करेगा इन वॉयजर्स के थ्रू जो कि सेंटर में लाए कर रहे हैं ठीक है ये जो भी की स्टोन से लोड आएगा वो वॉयजर्स में जाएगा वॉयज से स्प्रिंज में जाएगा स्प्रिंज से हमारा पायर्स में जाएगा और पायर्स से फाउंडेशन में जाएगा तो इससे क्या हो रहा है लोड इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जिसकी वजह से हम लार्ज ओपनिंग्स बना सकते हैं और हम कितना भी ज़्यादा लोड का स्ट्रक्चर इस पर बना सकते हैं सो का जो ग्रेटेस्ट इनोवेशन था वो था आर्चेस। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन मेड इन आर्किटेक्चर इज द रोमन आर्चेस तो जब भी हम सबसे बड़े इन्वेंशन की बात करेंगे हमारे दिमाग में आएगा वो आर्चेस जो रोमन्स ने डेवलप किए थे अब ये किस तरीके से बनते थे क्या मटेरियल्स यूज किया जाता था जो मटेरियल्स यूज होता था इट वाज स्टोन ब्रिक और कंक्रीट दे यूज इंस्टेड ऑफ पोस्ट एंड लिटल तो इन्होंने ट्रिबेटेड स्ट्रक्चर को छोड़ दिया था ट्रिबेटेड स्ट्रक्चर्स को ये वहाँ यूज़ करते थे जहाँ स्मॉल ओपनिंग्स देनी होती थी या जहाँ लोड ज्यादा नहीं होता था अपार्ट फ्राम देट दे व यूजिंग आर्चेज अब इस आर्च का आपको एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो एंशियट रोम में इसमें आप देख सकते हो कि किस हाइट के स्ट्रक्चर में इन्होंने इस तरीके से आर्चेज और इतने बड़े ओपनिंग्स दिए हुए हैं इट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन दैट दे हैव डन इन द फॉर्म ऑफ आर्चेज ये लार्ज डोर ओपनिंग्स में यूज़ होता था लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता था एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जो भी लोड ऊपर से आ रहा है वो वेट इक्वली और इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था थ्रू दिस की स्टोन नाउ वील टॉक अबाउट आर्किड्स अब आर्किड्स क्या होते हैं आर्किट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीरीज ऑफ आर्चेज़ रिपीट हो रहे हो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्च है फिर यू कैन सी द सेकेंड आर्च देन यू कैन सी द थर्ड आर्च तो जब भी सीरीज ऑफ आर्चेज़ रिपीट हो रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्किड्स अब इसमें भी लोड कैसे ट्रांसफर होता है इस पर लोड ट्रांसफर होता है थ्रू दीज पायर्स या थ्रू दीज कॉलम्स इन कॉलम्स के थ्रू लोड हमारा नीचे गया ये की स्टोन से इस एरिया में आया इम्पोस्ट पे आया अच्छा जो इनर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्राडोज और जो आउटर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डोज तो इन आउटर पोर्शन जो होता है एक्स्ट्रा डोज वो ऊपर का वेट लेकर के ट्रांसफ़र करता है स्प्रिंजर्स पे और स्प्रिंजर्स ट्रांसफ़र करता है पायर पे और नीचे प्लिंथ लेवल से फाउंडेशन में लोड ट्रांसफ़र हो जाता है तो आर्किड्स क्या होते हैं आर्किड्स होते हैं सीरीज ऑफ आर्चेस ये जो आर्किट्स uh, आपको रोमन आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे इस पर बेस्ट चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है कि इसमें जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि आर्चेस भी हैं तो कर्व लाइन भी है स्ट्रेट तो लाइन भी है रेक्टेंगुलर ओपनिंग भी, भी है कहीं कहीं स्क्वायर ओपनिंग भी है सो दे वर यूजिंग डिफरेंट जोमेट्रिकल शेप्स उन डिफरेंट जोमेट्रिकल शेप्स की वजह से इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइट लाइट का शेड मतलब प्ले ऑफ लाइट अगर हम बोले तो उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली उसको यूज़ किया था नाउ वील टॉक अबाउट वॉल्ट अब वॉल्ट क्या होता है वॉल्ट एक स्ट्रक्चरल मेम्बर होता है जिसमें कि फोर आर्चेस या अरेंजमेंट ऑफ आर्चेस जिसे हम कह सकते हैं यूजुअली इससे एक सीलिंग फॉर्म होती है या इसे एक रूफ फॉर्म uh, होती है जब हमें बहुत बड़े स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा स्पेस देनी होती है उस केस में हम वॉल्ट का यूज़ करते हैं इस पर आप देख सकते हो कि यहाँ से एक आर्च आ रहा है इधर से यू कैन सी द सेकेंड आर्च और बैक साइड पे यहाँ कहीं थर्ड आर्च है और इधर पे फोर्थ आर्च है और इन चारों को मिला करके हमारा क्या फॉर्म हो रहा है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको हम वॉल्ट बोल रहे हैं तो वॉल्ट हम बड़े स्पेसेस में यूज़ करते हैं और जनरली uh, कुछ थ्री टाइप्स के वॉल्ट होते हैं फर्स्ट इज हो बैरल वॉल्ट सेकेंड इज वाइंड ग्राइंड वॉल्ट एंड थर्ड इज़ द डोम अब हम बात करते हैं बैरल वॉल्ट की बैरल वॉल्ट को हम टनल वॉल्ट भी कहते हैं उसका क्या रीज़न होता है बैरल वॉल्ट मतलब जब हम सीरीज ऑफ आर्चेस एक आर्च है उसके जस्ट पीछे हमने दूसरा आर्च बनाया एक आर्च उसके पीछे दूसरा आर्च उसके पीछे तीसरा फिर चौथा इसकी वजह से क्या हुआ एक टनल फॉर्म होती चली गई ठीक है तो वो जो टनल फॉर्म हो रही है उसको हम बोलेंगे बैरल वॉल्ट ये एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वॉल्ट होता है क्योंकि इसमें हमने सीरीज ऑफ आर्चेस को एक के पीछे एक अरेंज किया हुआ है अगर ज़्यादा हाइट है तो इसमें हम फेनेस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज यू कैन सी हेयर यहाँ पर क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा थी तो बैरल वॉल्ट जब हम लेके जाएंगे या टनल वॉल्ट को जब हम बनाएंगे तो हमें उसके अंदर लाइट की भी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया था बीच बीच में ऐसे ओपनिंग्स भी दी हुई थी इन द फॉर्म ऑफ आर्चेस नाउ वील टॉक अबाउट वॉल्ट या क्रॉस वॉल्ट। ग्रोइंग क्रॉस वॉल्ट क्या होता है ये एक ऐसा वॉल्ट होता है जिसमें टू वॉल्स आपस में टू बैरल वॉल्ट आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे होते हैं या आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो ये एक बैरल वॉल्ट है और ये दूसरा बारल वॉल्ट है ये क्या कर रहा है ये एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रहा है इंटरकनिक्ट कर रहा है ये है हमारा प्लान में व्यू अगर आप इसको व्यू में देखते हो तो एक आर्च एक आपका ये टनल वॉल्ट गया और दूसरा टनल वॉल्ट आपका ये गया तो दो वॉल्ट ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया तो हमारा क्या बना क्रॉस वॉल्ट इसमें बस एक प्रॉब्लम थी कि इसमें बहुत ग्रेट स्किल्स चाहिए होती थी डिफिकल्ट होता था कंस्ट्रक्शन के लिए बट ये काफी ज्यादा हाइट में हम इसको यूज ये लोग यूज करते थे नाउ इफ वी टॉक अबाउट डोम तो डोम एक वॉल्टेड स्ट्रक्चर है जिसका सर्कुलर प्लान होता था अगर आप इसका प्लान देखो तो ये सर्कल में होता था डोम जब काफ़ी बड़े एरिया होते थे वहाँ पर इनको यूज किया जाता था तो बहुत लार्ज स्पेसेस होते थे वहाँ पर रोमन्स डोम को यूज़ करते थे बेसिकली ये पब्लिक बिल्डिंग्स में जहाँ ज़्यादा गैदरिंग करनी है जैसे कि बेसिलिका हो गया था पैंथियन हो गया वहाँ पर डोम को यूज़ करते थे अब डोम में किस तरीके से लोड ट्रांसफ़र होता था डोम में सेंटर में देते थे ऑसुलस वॉट इज ऑसुलस ऑसुलस वॉज द एरिया जो कि एक सर्कुलर ओपनिंग होती थी ऑन द टॉप ऑफ द डोम जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सकती है डोम में अदरवाइज क्या होगा ये डार्क एरिया हो जाएगा अभी तक हमने देखा कि वो लाइट के साथ प्ले कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ को डोम में भी कंसिडर करके बनाया था कि यहाँ पर उन्होंने एक ओसलस दिया था जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सकती है इनके डोम में हमें कॉफर्स भी देखने को मिलते थे कॉफर्स की वजह से क्या होता था कॉफर्स वर द स्मॉल कटआउट्स तो बेसिकली ये आपके बीम्स फॉर्म हो रहे हैं और ये रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं और सेंटर में जो खाली स्पेस इन्होंने लोड को कम करने के लिए यहाँ पर कॉफर्स दे देते थे तो कॉफर्स में कम फिलिंग होती थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोड ऊपर से ना आए और डोम उसको आ, उस पर आराम से हम डोम को रेस्ट कर पाएँ इन द लार्ज स्ट्रक्चर्स तो इस तरीके से रोमन आर्किटेक्चर में हमें रेवोल्यूशन देखने को मिला सबसे पहले आए आर्चेस उसके बाद आए हमारे बैरल वॉल्स बैरल वॉल्ट को हमने कंबाइन करके बनाया ग्रोइन वॉल्ट ग्रोइन वॉल्ट को हमने और कंबाइन करा सीरीज ऑफ आर्चेड्स में आर्किड्स में फिर हमारे आए फेनस्ट्रेटेड सीक्वेंस ऑफ ग्रोइन वॉल्ट और उसके बाद फिर हमारा आया हेमी डोम विद ऑसुलस तो इसमें आप स्ट्रक्चर के साइजेस भी देख सकते हो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर के साइजेस टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होते चले गए नाव वील टॉक अबाउट मटीरियल क्या मटेरियल वो लोग अपने टाइम पर यूज़ कर रहे थे तो ग्रीक के टाइम पे ब्रिक्स आ गए थे बट रोमन्स ने फर्स्ट क्लास ब्रिक का इन्वेंशन किया एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट और इन्होंने कंक्रीट यूज़ करना शुरू किया इन द लार्ज स्केल अब इनके कंक्रीट में क्या मटेरियल होता था ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी और क्या मटेरियल से यूज़ कर रहे थे देवर यूजिंग ब्रिक्स देवर यूजिंग पॉजोलानिक कंक्रीट मार्बल ग्रेनाइट लाइम टिन आयरन वुड सेरेमिक एंड सैन स्टोन एंड ब्रिक मैसिनरी की अगर हम बात करते हैं तो ये किस तरीके से स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी यूज़ करते थे स्टोन एंड ब्रिक मैसिनरी के लिए जो आउटर प्रोफाइल होती थी उस आउटर प्रोफाइल को ये बनाते थे विद द ब्रिक वॉल और उसकी जो इनर प्रोफाइल होती थी यानी कि जो उनको फिलिंग करनी होती थी ये वाला फिलिंग वाला पोर्शन वो होता था थ्रू कट स्टोन या एशलर उसमें वो सिर्फ रबल मशीनरी के थ्रू चीज़ों को अंदर फिल कर देते थे तो अगर हम उसका इसका आउटर सरफेस देखें तो हमें एक बहुत नीट एंड क्लीन वॉल देखने को मिलेगी बट जो जिसके अंदर फिलिंग होगी वो सिर्फ स्टोन्स को कट करके ऐसे ही उन्होंने अंदर फिल किया होगा सो द वॉल इज लेड अप इन सीमेंट विद कंक्रीट ऑफ ब्रोकन स्टोन एंड सीमेंट ज़्यादातर केसेस में हम देखेंगे कि जो फेसिंग होगी वो बहुत ही एग्जीक्यूट मतलब बहुत ही अच्छे से उन्होंने ब्रिक वर्क उस पर किया होगा कई बार वो उसमें स्टूको कोटिंग ऑफ स्टूको भी करते थे ना व्हाट इज कोटिंग ऑफ स्टूको स्टूको वॉज द आर्ट वर्क जो ये करते थे थ्रू लाइम मोल्टार इनके ब्रेक के साइज भी काफी लार्ज होते थे एज कंपेयर टू द ब्रेक साइज विच वी आर यूजिंग नाउ डेज नाव कंक्रीट अब इनका कंक्रीट कौन से मटीरियल से बनता था सो कंक्रीट वॉज मेड विद लाइम मोर्टार वोलकैनिक सैंड वाटर एंड सैंडस्टोन रोमन्स कन का कंक्रीट बहुत ड्यूरेबल होता था क्यों क्योंकि इन्होंने अपने कंक्रीट में वॉलकैनिक ऐश को मिलाया था अब वॉलकैनिक ऐश क्या करती थी ये प्रिवेंट करती थी कि कोई भी क्रैक अगर इफ़ एनी केस कोई भी क्रैक सपोज इस पोर्शन में कोई क्रैक आ जाता है तो वो आगे स्प्रेड नहीं होने देती है ये काम होता है वॉलकैनिक ऐश का विच वर यूजिंग इन द कंक्रीट इनके कंक्रीट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती थी मोल्डिंग की क्योंकि जब ये डोम बनाते थे या आर्चेज बनाते थे तो ये लेयर वाइज फिलिंग करते थे ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है तो उन्होंने एक मोल्ड तैयार किया और पूरा एक साथ फिल कर दिया नहीं दे दूज टू मेक इट इन द स्टेजेस तो पहले स्टेज वन पहले वो इतनी फिलिंग करेंगे तो इसका मोल्ड प्रिपेयर करेंगे फिर वो ऊपर सेकेंड फिलिंग करेंगे फिर थर्ड फिलिंग करेंगे तो स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन होता था रोमन का कंक्रीट बहुत uh, अच्छा इसलिए भी माना जाता है बिकॉज इट यूज़ टू सेट अंडर वाटर ऑल्सो इनके टाइम पे ब्रिजेस बने थे वाटर साइड कंस्ट्रक्शन हुआ था सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो है टेम्पल्स इनके कुछ बिल्डिंग्स जो इन्होंने बनाए थे टेम्पल्स फिर रोमन बिल्डिंग्स रोमन बिल्डिंग्स में हमारा आ जाता है पैंथियन पब्लिक बिल्डिंग द बेसिलिका सिविल बिल्डिंग द बाथ थिएटर जिसमें एम्फे थिएटर भी हम देखेंगे क्लोजियम फोरम उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या पब्लिक वाटर सप्लाई किस तरीके से होता था कैसे एक्वाडक्ट्स इनके टाइम पे बनाए जाते थे देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा था रोड्स कैसे बनाते थे ये लोग देन ब्रिजेस uh, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते थे और उनके टाइम पे फाउंटेंस भी थे सो हाउ दे वर यूजिंग दोज़ फाउंटेंस थैंक यू